गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमास्तं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। बोले गणपति जी भगवान की जय, बोले शंकर भगवान की जय। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित नीति शास्त्री आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे प्रिय दर्शकों, आप इसी तरह से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और सदैव माता रानी की कृपा, माता भवानी की कृपा आपके ऊपर यूं ही बनी रहे। साथियों, हम आपके लिए लेकर के आते हैं हर वीडियो में कुछ खास, कुछ नया, कुछ ऐसी जानकारी जो आप सबके जीवन में काम आ सके। साथियों, आज के इस एपिसोड में मैं मेष राशिफल 2021 के बारे में चर्चा करने वाला हूं। जिन जातकों की मेष राशि है, साल 2021 उनके लिए कैसा रहने वाला है, आज के इस वीडियो में विस्तार रूप से मैं आप सभी भक्तों को बताऊंगा। तो मेरे प्यारे साथियों, जो भी दर्शक पहली बार पंडित नीति शास्त्री चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल का निशान जरूर दबा लें, जिससे आपको हमारी आने वाली ज्योतिष से जुड़ी जानकारी और हर तरह की व्रती त्योहार की जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो प्रिय साथियों, भगवान गणेश देवता को प्रणाम करते हुए आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। ओम वक्रतुंड महाकाया सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुर्मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। बोली गणेश भगवान की जय, बोली अंबिका माता की जय। प्रिय साथियों, साल 2020 बहुत ही कष्टपूर्ण रहा और आम जनमानस के लिए यह साल बहुत ही उतार चढ़ाव वाला रहा। साल 2020 में हमारे देश ने भी बहुत सी परेशानियों का सामना किया और बहुत से कष्टों का सामना अनेक प्रकार से सबने किया। भगवान परमपिता परमात्मा शंकर जी से हमारी यही प्रार्थना है कि आने वाला साल 2021 आप सभी भक्तों के जीवन में सदैव खुशियां लेकर के आए और साल 2021 में आप सभी को वो सभी खुशियां प्राप्त हो जिनकी आप इच्छा रखते हो। और माता भवानी से भी हमारी ये प्रार्थना है कि हमारे जितने भी भक्त हैं उन सभी के लिए साल 2021 अनेक तरह के शुभ समाचार लेकर के आए। प्रिय साथियों, आज हम बात कर रहे हैं सबसे पहली राशि मेष राशि के बारे में कि साल 2021 मेष राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। प्रिय साथियों, मेष राशि वालों के लिए यह साल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। भगवान शनि देवता की कृपा इनको इस साल में अवश्य प्राप्त होगी और शनि देवता की कृपा से इस साल इनके सभी कार्य बनेंगे, किसी भी कार्यों में इनके कोई भी रुकावट नहीं होगी। प्रिय साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके कार्यक्षेत्र के बारे में। मेष राशिफल 2021 कार्यक्षेत्र, ऐसे जातक जो पिछले काफी समय से जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, जो सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्नशील है, उनको साल 2021 में गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए शुभ समाचार प्राप्त होने के प्रबल योग बन रहे हैं। प्रिय साथियों, ऐसे जातक जिनका बिजनेस पिछले काफी समय से सेटल नहीं हो पा रहा है और जो अपने बिजनेस को सेटल करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी उनको वैसे परिणाम नहीं मिल रहे हैं, तो अब आप खुश हो जाइए, साल 2021 में ऐसे जातक जो सेल्फ बिजनेस कर रहे हैं इनको अपने सेल्फ बिजनेस से जुड़ी हुई बहुत ही शुभ सूचनाएं मिलने वाली हैं। प्रिय साथियों, ऐसे जातक जिनकी मेष राशि है और जो लगातार नौकरी में एक जगह स्थिर नहीं रह पाते, ऐसे जातक जिनको अपनी नौकरी में बहुत से उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं या किसी ना किसी कारणवश एक जगह नौकरी पर ये टिक नहीं पाते, तो ऐसे जातकों के लिए भी यह साल बेहद ही शुभ सूचनाएं लेकर के आ रहा है। अब आपका
शुभ समय 2021 से शुरू होने वाला है और आपको जो आपके मन के मुताबिक जॉब है, जो आपके मन की इच्छित नौकरी है 2021 में, वह नौकरी की प्राप्ति आपको शीघ्र अति शीघ्र होने जा रही है जिनकी मेष राशि है। तो प्रिय साथियों, ये तो थी बात कार्य क्षेत्र की। अब बात करते हैं आर्थिक संपत्ति के बारे में या धन से जुड़े हुए मामले। प्रिय साथियों, जिन जातकों की मेष राशि है, धन के मामलों से जुड़ा हुआ भी यह साल उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि ऐसे जातक जिनकी मेष राशि है, ये पिछले काफी वर्षों से धन से रिलेटेड काफी संघर्ष कर रहे थे और काफी मेहनत करने के बावजूद भी इनको वो रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे थे धन को लेकर के, जो ये डिजर्व करते हैं। तो साल 2021 ऐसे जातकों के लिए बहुत ही अच्छे परिणाम लेकर के आ रहा है। धन से जुड़े मामलों में मेष राशि वाले जातक साल 2021 में बहुत भाग्यशाली रहने वाले हैं और साल 2021 में इनको गुप्त रूप से भी धन की प्राप्ति अवश्य होगी और आर्थिक संपत्ति मिलने के भी इनके बहुत योग बन रहे हैं 2021 में, और हर प्रकार से किसी ना किसी तरह से साल 2021 धन को लेकर के इनके लिए बहुत भाग्यशाली रहने वाला है। प्रिय साथियों, अब बात करते हैं कि प्रेम संबंधों को लेकर। साल 2021 में मेष राशि वाले जातकों के लिए प्रेम संबंध बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। ऐसे जातक जिनका विवाह अभी नहीं हुआ है, जिनकी मेष राशि है और पिछले कुछ समय से ये विवाह को लेकर के प्रयास कर रहे हैं, रिश्ता नहीं हो पा रहा है, तो अब आप खुश हो जाइए, साल 2021 में बहुत ही जल्द आपके विवाह के योग बनेंगे और विवाह संबंधित बहुत ही शुभ सूचनाएं आपको भविष्य में मिलने वाली है। ऐसे मैरिड कपल जिनकी मेष राशि है, जिनके बीच में आपसी मनमुटाव चलता रहता है, तो कहीं ना कहीं साल 2021 कपल्स के लिए भी बहुत ही अच्छे परिणाम लेकर के आएगा। प्रेम संबंध मेष राशि वालों का साल 2021 में बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बस इनको एक बात का ध्यान रखना है कि ये किसी भी तरह के कोई गलत कार्य ना करें, जिससे कि प्रेम संबंधों को लेकर के इनके ऊपर किसी भी तरह का कोई झूठा आरोप लगे, उससे इन्हें बचकर रहना है। तो साथियों, ये तो बात थी प्रेम संबंधों के बारे में। अब बात करते हैं मेष राशि फल 2021 स्वास्थ्य विचार। साल 2021 में मेष राशि वालों का स्वास्थ्य उत्तम रहने वाला है। अप्रैल तक का जो समय होगा, ये इनके लिए कुछ उतार चढ़ाव वाला रह सकता है, लेकिन अप्रैल के बाद वर्ष पर्यंत मेष राशि वालों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और स्वास्थ्य से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई दिक्कत इनको नहीं आएगी। प्रिय साथियों, अब बात कर लेते हैं पारिवारिक और घरेलू स्थिति के बारे में। साल 2021 में मेष राशि वालों को अपने घर में थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। घर के बड़े बुजुर्गों के साथ इनका किसी बात को लेकर के विवाद हो सकता है और इनको एक बात का ख्याल यहाँ पर रखना चाहिए कि साल 2021 में मेष राशि वाले जातक अपने घर पर किसी भी छोटी बात को ज़्यादा अधिक तूल ना दें, क्योंकि अगर ये किसी भी छोटे बात को ज़्यादा बड़े वाद विवाद में तूल दे देते हैं तो यह इनके लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। अन्यथा बाकी इनके ऊपर किसी भी तरह का कोई कष्ट नहीं है। पारिवारिक स्थिति से रिलेटेड हर तरह से इनके परिवार में सुख शांति रहेगी और मेरे भी भगवान से ही कृपा है कि आने वाला साल 2021 मेष राशि वाले आप सभी जातकों के लिए बहुत ही अच्छी सूचनाएं लेकर के आए। साथियों, अब मैं आपको बता देता हूं वो तीन बड़ी खुशखबरियां जो साल 2021 में मेष राशि वालों को मिल सकती हैं। सबसे पहली, ऐसे जातक जो कि गवर्नमेंट जॉब के लिए लगातार ट्राई कर रहे हैं, साल 2021 में गवर्नमेंट जॉब मिलने के इनके प्रबल योग बन रहे हैं। खुशखबरी नंबर दो, ऐसे जातक जो कि विदेश गमन के लिए पिछले कुछ समय से ट्राई कर रहे हैं, इस साल आपका विदेश गमन का योग भी शीघ्र अति शीघ्र बनने के आसार नजर आ रहे हैं। खुशखबरी नंबर साथियों, मेष राशि वालों के लिए
ऐसे जातक जो विवाह में जिनके अड़चने आ रही थी, इस साल उनके विवाह के योग भी बनते हुए नजर आ रहे थे। तो ये तीन बड़ी खुशखबरियां थी जो साल 2021 में मेष राशि वाले जातकों को प्राप्त हो सकती हैं। मेरे प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी भक्तों को आज का यह एपिसोड बेहद पसंद आएगा। लेकिन अगर आज के इस एपिसोड से जुड़ा हुआ आपका किसी भी तरह का कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे अपना वह प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रिय साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में मुलाकात होगी किसी और नए विषय के साथ। तब तक के लिए मैं पंडित नीति शास्त्री आप सभी भक्तों से आज्ञा लेता हूँ। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और सदा आपके परिवारों में सुख शांति बनी रहे। जय महादेव। ओम नमः शिवाय।